जी, लेकिन तुषार एक हफ्ता बीत गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस पे कॉग्निसेंस भी लेना है तो एक हफ्ता होने के बाद आपको उम्मीद लगती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कर सकता है कोई एक्शन? नहीं लगता नहीं है, इसीलिए शायद अब वो वक्त आया है कि हम लीगल ओपिनियन ले और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ये रख के पूछे कि भाई क्या ये करना जरूरी है, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि मैं एज एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर ये अनुमान कर सकता हूँ, लेकिन कानून में जो सारी प्राविधान है उसके मुताबिक क्या हो सकता है उसके बारे में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो शायद अब ये वक्त आया है कि वो जांच की जाए और किसी का की मदद लेकर ऐसी याचिका तैयार की जाए। लेकिन अगर ये जो संवैधानिक मसला है और अगर इसकी भी जांच होनी है तो इसमें क्या आप पहल करेंगे? आपने कहा कि मैं पिटीशन इसमें फाइल नहीं करूंगा, लेकिन क्या ये जो संवैधानिक मामला है कि गवर्नर्स इम्यूनिटी वर्सेस द नेशनल एम्बलम एक्ट, द नेशनल फ्लैग एक्ट, और तो क्या ये जो मामला, जो संवैधानिक जो प्रश्न है, क्या इसके लिए आप इसमें कुछ पहल करेंगे? मैं इसके लिए वकीलों से सलाह मशवरा करूंगा और छानबीन करूंगा कि क्या ये चीज हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं या नहीं, ये जरूर करूंगा। मेरी मुझे बदनक्षी का दावा लगाने में उतना इंटरेस्ट नहीं था, उसके दो कारण है। एक तो ये था कि वो कोर्ट के लिए बहुत आसान हो जाता उसको खारिज करना, दूसरा ये भी है कि ऐसे वाकये जब भी होते हैं तब लोग मुझे ही पकड़ लेते हैं कि जैसे मेरी जिम्मेदारी हो, वरना कई बार जब मैं पहल लेता हूं तो लोग ये भी कमेंट करते हैं कि भाई बापू तो सार्वजनिक थे, कोई एक परिवार तक का अधिकार उनके ऊपर नहीं था। तो मैं इसको टेस्ट केस करना चाहता हूं कि अगर ये लोग समझते हैं कि वो राष्ट्रपिता है तो अगर उसका उनका अपमान हुआ है तो वो सारे भारतीय नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वो उसके खिलाफ काम करे, उसके खिलाफ एक्शन ले। क्यों मेरे पास ही ये आशा या उम्मीद रखी जा सकती है? और फिर ये कहना आसान हो जाता है कि भाई उसकी तो मजबूरी है, वो तो परपोता है, उसको तो करना ही पड़ता है। तो मैं ज्यादा इसको अहमियत दूंगा कि हमारे संविधान के ऊपर प्रश्न उठाकर संविधान के जो प्राविधान है उसको आज के कॉन्टेक्स्ट में वापस एक बार रिव्यू करवाया जाए। अगर वो पॉसिबिलिटी है तो मैं जरूर ये एक्शन लूंगा।